तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे अनबॉक्सिंग Xiaomi के पैड 6 का, जो कि ब्रांड न्यू हमने कल इसे परचेस किया है माई स्टोर से। और ये 8GB 256GB वाला वेरिएंट है और इसकी जो प्राइसिंग हमें पड़ी है वो 28,999 रुपये पड़ी है। हालांकि अगर आप अपने स्टोर्स पे पता करेंगे तो आपको 6GB 128GB वाला वेरिएंट ही अवेलेबल मिलेगा लोकल मार्केट्स के अंदर, तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा और 8GB 256GB वाला ही परचेस कीजिएगा, क्योंकि भाई साहब इसके अंदर जो है मेमोरी कार्ड नहीं लगता और इसके कारण जो इंटरनल स्टोरेज आप लोगे उसी के साथ आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि जब भी आप लें तो हायर एंड के मेमोरी कार्ड वाला ऑप्शंस लें, यानी कि 256GB वाला ऑप्शंस लें, ताकि आपको स्टोरेज की इश्यूज देखने को ना मिले। साथ में 8GB वाले वेरिएंट्स में गेमिंग खेलने में आपको कोई बग्स या फिर लैगिंग इश्यूज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई ये बना है गेमिंग वालों को ध्यान में रख के, क्योंकि इसके अंदर जो चिपसेट दी गई है वो है स्नैपड्रैगन की 870 वाली चिपसेट, जो कि 7 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन के ऊपर वर्क करती है। काफी बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस आपको निकाल कर देने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या है इनसाइड द बॉक्स, क्या क्या कंटेंट हमें देखने को मिलता है, साथ में डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी आती है, क्योंकि भाई ये 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के ऊपर वर्क करता है, डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है। इस मामले में क्या ये खड़ा उतरता है कि नहीं, आइए वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो पे बने लगेगा, लेकिन साथ में अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर अब तक हमें फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, जाइए और हमें फॉलो कीजिए। चलिए चलते हैं और करते हैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों आज हमारे पास अवेलेबल है अनबॉक्सिंग के लिए Xiaomi Pad 6, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आप कह सकते हैं अंडर 30,000 के प्राइस सेगमेंट में आने वाला टैबलेट्स है। और इसके डब्बे की जो डिज़ाइनिंग है भाई, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सिमिलर कहीं ना कहीं आपको देखने में लगेगी जो एप्पल के आईपैड्स आते हैं उनके डब्बे के, और काफ़ी बढ़िया डॉल्बी विजन्स के साथ आपको इसमें देखने को मिल जाती है। और जो सबसे बेहतरीन चीज़ है इस टैबलेट के अंदर वो ये है कि इसके अंदर आपको लेटेस्ट वाला स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि एक्चुअल में एक 5G प्रोसेसर है और ये 7 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन के ऊपर वर्क करता है। और इसके अंदर जो डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है वो डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है, जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के ऊपर चलता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर कंटेंट क्या हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि क्या क्या इसके अंदर एसेसरीज दी गई है और साथ में क्या क्या इसके अंदर हमें फीचर्स देखने को मिलता है, यानी कि फर्स्ट व्यू हमारे Xiaomi Pad 6 का। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसके अंदर चूंकि कोई SIM कार्ड स्लॉट्स नहीं लगने वाला है और दो ही वेरिएंट्स मार्केट में अवेलेबल है, 6GB रैम और 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज और एक में 256GB की इंटरनल स्टोरेज, तो आप उसी को प्रेफर कीजिएगा जो कि सबसे हाईएस्ट स्टोरेज के साथ आपको देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर आपका एक चीज़ का एफर्ट नहीं दिखेगा आपको, वो है कार्ड स्लॉट, यानी कि अगर कार्ड स्लॉट नहीं दिखेगा तो आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकेंगे और साथ में जो स्टोरेज आप परचेस करेंगे उसी के साथ आपको सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं हमारा Xiaomi का Pad 6, कुछ कह सकते हैं ये आपका कॉटन वाला जो हमारे मार्केट में अवेलेबल होता है उसी के अंदर पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाता है। Xiaomi Pad 6 यहाँ पे MI का टैग आपको दिख जाता है और 144 हर्ट्ज का सिनेमैटिक डिस्प्ले जो कि डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। साथ में डॉल्बी का आपका एटमोस सपोर्टेड करेगा ऑडियो के लिए भी, क्वाड स्टीरियो स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन का 870 वाला चिपसेट आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही हाई एंड का आपको गेमिंग एक्सपीरियंस और साथ में वीडियो एडिटिंग करना है तो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 8840 mAh की आपको इसके अंदर हाई कैपेसिटी बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 33W के चार्जर के साथ इनसाइड द बॉक्स आपको मिलेगी। सबसे पहले हम इसको साइड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास और क्या कंटेंट है। तो सबसे पहले एक Xiaomi के डब्बे के ऊपर प्रिंटिंग है Xiaomi का, और इसके अंदर आई थिंक मैनुअल्स होंगे आपके जो कि जनरली आते हैं। जी हाँ, इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाता है जो कि इस टैबलेट से रिलेटेड ही होगा। हम इसे भी साइड कर लेते हैं क्योंकि ये पुर्जा हमारे किसी काम का नहीं है फिलहाल। और दूसरा जो डब्बा हमको देखने को मिलता है वो होता है बैटरी कंटेंट का। तो सबसे पहले हम सीधा ओपन करते हैं भाई, तो देख सकते हैं सबसे पहले हमें ये चार्जर देखने को मिल जाता है। चार्जर की यूनिट जो है वो है 33W की, यहाँ पे साफ साफ फ्लैश कर दिया है इन लोगों ने, Xiaomi कम्युनिकेशन को लिमिटेड की तरफ से, डिजाइन बाय Xiaomi, और 33W को सपोर्ट करेगा। दैट इज़ गुड कि आपकी जो टैब की बैटरी है वो बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाएगी, लेकिन फिर भी 8000 mAh की बैटरी होने के नाते आपका लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय आराम से ये लेगा, क्योंकि बैटरी की पावर ज़्यादा है। दूसरा कंटेंट होता है आपका यहाँ पे डाटा केबल का,
और डाटा केबल भी लगभग 1 मीटर वाला आपको इसके साथ देखने को मिल जाता है, और वायर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कह सकते हैं आप, कि आपको देखने को मिल जाती है। अब हम इसे भी साइड कर लेते हैं, और सबसे पहले जो मोस्ट अवेटेड था हमारे लिए वो है Xiaomi Pad 6, क्योंकि ये मार्केट में हमें 6 GB वाला वेरियंट तो देखने को मिल रहा था, लेकिन कहीं पर भी ये वाला वेरियंट अवेलेबल नहीं था। जो कि मैंने लिया है वो है 8 GB रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसे परचेस करिएगा तो प्रेफर 8 GB रैम को ही कीजिएगा, 2000 का अंतर है और 2 GB रैम बढ़ जाती है आपकी और जस्ट डबल हो जाता है आपका स्टोरेज, क्योंकि इसके अंदर मेमोरी कार्ड नहीं लगेगा। तो थोड़े से धब्बे देखने को मिल जाते हैं, और उसका रीज़न ये है कि इसके ऊपर कुछ भी आपका लगा नहीं है, यानी कि कोई भी फिल्म इसके ऊपर नहीं लगी है, टेम्पर्ड ग्लास नहीं आता है, और प्रोटेक्टिव आपके जो कवर्स आते थे वो भी देखने को नहीं मिलते। तो इस पर ईजिली आपके जो देख सकते हैं फिंगर्स के निशान देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बहुत ईजिली। पीछे के कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे Xiaomi देखने को मिल जाएगा विद 3 डॉट्स, जो कि Xiaomi हमेशा दिखाता है, और ये फुल मेटेलिक आपका पीछे का कवर है। और Xiaomi Pad 5 में ये जो पीछे का कवर दिया गया था वो प्लास्टिक कवर था, लेकिन इसके अंदर आपको फुल मेटेलिक सपोर्ट देखने को मिलेगा। आपके पास अगर स्टाइलस पेन होगा Xiaomi का तो यहाँ पे वो जस्ट एडजस्ट हो जाएगा साइड में, आप उसे चिपका सकते हैं यहाँ पे। और फिनिशिंग यार सच में बहुत ही अच्छी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे स्पीकर आपको कॉर्ड देखने को मिल जाता है, ये माइक है, टाइप सी की सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और 3.5 mm का ऑडियो जैक इसमें देखने को आपको नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि आप जो ईयरफोन्स का इस्तेमाल करेंगे वो टाइप सी सपोर्टेड, या फिर यहाँ पे एक्सटेंशन लगाकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर की तरफ भी आपको दो आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। डॉल्बी विजन एटमॉस का सपोर्ट आपको इसके अंदर दिया गया है, जिसकी वजह से जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पे पावर बटन्स दिया गया है जस्ट टॉप, यानी कि जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे आपको पावर बटन देखने को मिल जाएगा। फिर साइड में आपका यहाँ पे वॉल्यूम का रॉकर दिया गया है, और यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है, ये माइक के लिए है, और साथ में कार्ड स्लॉट्स का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें सिम कार्ड नहीं लगेगा, ये वाईफाई वेरिएंट्स के साथ आता है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम पावर ऑन करते हैं, यानी कि बूस्ट अप करते हैं, और देखते हैं भाई हमारा कैसा इसके ऊपर डिज़ाइन आता है। सबसे पहले आ गया MI का लोगो, और पावर्ड बाय एंड्रॉयड, आई थिंक इट इज़ विजिबल नाउ, ओके, क्योंकि हमारी रिंग लाइट इससे ज़्यादा पावरफुल दिखती है। तो हमारा ये बूट अप हो गया है, पावर ऑन हो गया है, और MIUI पैड 14 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि MIUI 14 के ऊपर ये वर्क करेगा। तो अब हम लोग जल्दी से इसको पहले सेटअप कर लेते हैं, और यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं, साथ में इंडिया हमारा रीजन ऑटोमेटिकली चूज़ आपको दिखेगा। उसके बाद कौन सा आप कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हैं, लाइक गूगल कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हैं जीबोर्ड, या फिर गूगल वॉइस टाइपिंग, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ओके रहेगा। यूज़र मैनुअल्स आपको एक्सेप्ट कर लेना है, एक पॉपअप आ जाता है 4 सेकेंड की नोटिस, और मैं यहाँ पर अपना पिन सेट कर लेता हूँ, और मेरा जो पिन सेटअप है वो हो गया है। और कीप गोइंग टू गेट योर डिवाइस फुली सेटअप और लीव नाउ एंड गेट अ रिमाइंडर टू फिनिश लेटर, तो मैं कंटिन्यू करूँगा ताकि बाद में कोई हमें रिमाइंडर ना आए फिनिश करने के लिए। उसके बाद गो बैक करने के लिए क्या करना है वो भी दिखा देगा, सब कुछ आप अनेबल कर दीजिएगा, उसके बाद आप रेडी टू स्वाइप। जैसे ही स्वाइप करेंगे आपका जो Xiaomi का सेटअप है भाई वो हो जाता है, जो कि MIUI के लॉन्चर के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, और डिस्प्ले बहुत ही फ्लुएंट है, बहुत ही अच्छे से चल रहा है, कोई लैगिंग अभी तक नहीं है इसमें, हालांकि अभी क्या होता है वो तो पता चल जाएगा। तो मैं सबसे पहले डिस्प्ले क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो ये 11 इंचेस का आपको IPS पैनल यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि 1 बिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है, HDR10 रेडी है, आप कह सकते हैं ये 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के ऊपर वर्क करेगा, 550 निट्स की ब्राइटनेस वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी, एक तरह से ये 4K डिस्प्ले आप इसे कह सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले क्वालिटी। मैं डिस्प्ले की जो लेंथ है ब्राइटनेस उसको मैंने फुल कर दिया है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी आप कह सकते हैं डिस्प्ले की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। क्योंकि मेरा वाईफाई थोड़ा स्लो है, नहीं तो मैं 4K वीडियोस रन करके आपको ज़रूर दिखाता, एक 4K की वीडियो देखा जाए, जो कि देखना तो बिल्कुल बनता है, देख सकते हैं आप। डिस्प्ले की क्वालिटी एक्चुअली बहुत ही बढ़िया है,
आप कह सकते हैं कि जो पिक्चर क्वालिटी है इसमें डिटेलिंग है वो बहुत ही बढ़िया निकल कर आ सकती है। और चूंकि मैंने रिंग लाइट सब कनेक्ट किया हुआ है तो इस वजह से आपको थोड़ी सी क्वालिटी नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ वो क्वालिटी सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अब इसके प्रोसेसर के हम एक डिटेलिंग ले लेते हैं। तो इसके अंदर जो प्रोसेसर दिया गया है वो है स्नैपड्रैगन का चिपसेट जो कि 870 वाला चिपसेट है, एक 5G प्रोसेसर है और ये 7 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन के ऊपर दोस्तों वर्क करता है। साथ में जो इसमें GPU देखने को मिल जाता है वो है एड्रीनो का 650 वाला, जिसके साथ गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अल्ट्रा लेवल का आपका होने वाला है। सो अगर आप BGMI या फिर कोई भी हार्ड लेवल असॉल्टेड हो गया या फिर और भी हाई लेवल के गेमिंग्स आप खेलना चाहते हैं जैसे PUBG हो गए, बहुत ही आराम से खेल सकते हो, फुल HD मोड में खेल सकते हो, कोई इश्यूज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ये गेमिंग्स वालों को ध्यान में रखकर इसकी स्पेसिफिकेशंस जो है वो बनाई गई है, स्नैपड्रैगन का जो हाई लेवल का चिपसेट है वो बहुत ही ईजी बना देता है उसको यूज़ करने में। अब अगर हम लोग बात करें इसके कैमरे के बारे में तो जो रियर वाला कैमरा सेटअप है वो 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। वहीं इसके अगर अपर्चर वैल्यू की बात करें तो f/2.2 के अपर्चर वैल्यू को सपोर्ट करता है और इसके साथ आप लोग डुअल LED फ्लैश लाइट आपको देखने को मिल जाती है जो कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। और ये 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है 30 फ्रेम पर सेकेंड के ऊपर, साथ में आप 1080 फ्रेम पे आप इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 60 फ्रेम पर सेकेंड और 30 फ्रेम पर सेकेंड पे। वहीं अगर फ्रंट वाले कैमरे के बारे में बात करें तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाता है और ये 1080p के रिजोल्यूशन पे 30 फ्रेम पर सेकेंड पे वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल कर आपको दे सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको ऑडियो जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा और काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस आपका होने वाला है Xiaomi Pad 6 के साथ। बाकी कमेंट्स करके बताइएगा अगर आपने भी इसे यूज़ किया तो कैसा एक्सपीरियंस है, और बाकी इसकी डिटेलिंग वीडियोस भी आपको बहुत ही जल्द हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी जो कि शॉर्ट्स के फॉर्म में होगी और स्मॉल स्मॉल कंटेंट हम इससे रिलेटेड ज़रूर बनाएंगे जो कि नए नए फंक्शंस से रिलेटेड होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और साथ में अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।